दोस्तों, तो आपने एक बार जरूर सुना होगा कि भाई मैंने ये काम चुटकी बजाते हुए कर दिया। तो गाइस यार, मैंने जितने भी वीडियो बनाए थे कोई भी डिलीवरी के डालने के बारे में, तो मैंने बताया था ऐसे ग्रिप करो, वैसे ग्रिप करो। लेकिन दोस्तों, क्या आप एक सिर्फ चुटकी बजा के ही एक बॉल डाल सकते हो, एक वेरिएशन जो कि बहुत ही खतरनाक बॉल साबित हो सकता है? तो गाइस, उस बॉल का नाम है यार फ्लिपर। तो कैसे उसको डालना है, कैसा ग्रिप होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर फटाफट से बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसे बजा लीजिए और मेरे इस वीडियो को मजा लीजिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पर अगर आप फ्लिपर सीखना चाहते हो तो उसके पहले आपको लेग स्पिन सीखना जरूरी है, लेग ब्रेक सीखना जरूरी है, गूली बॉल सीखना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर वो सब आप सीख नहीं पाते हो तो आप ये फ्लिपर बॉल डाल नहीं पाओगे। क्योंकि दोस्तों, एज़ कम्पेयर टू ऑल दोज बॉल, ये बॉल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है डालना। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मेहनत चाहिए होगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे फटाफट से देखेंगे ग्रिप कितने टाइप के होते हैं और क्या पर्पस होता है इस बॉल का। तो गाइस देखिए, सभी गेंद जब भी आप गोली डालते हो तो आपसे लेग टर्न हो गया, लेग स्पिन में लेग स्पिन हो गया। लेकिन गाइस स्लीपर में क्या होता है, बॉल सीधा रहता है और स्किड करता है। स्किड का मतलब दोस्तों, एकदम दबा हुआ बॉल रहता है, बहुत सटा हुआ ज़मीन के साथ, और दोस्तों इतना तेज़ी से अंदर जाता है कि यार उतना नीचे बल्लेबाज खेल ही नहीं पाता है, और वो अपना विकेट दे बैठता है या फिर एल्बो डब्ल्यू या फिर बॉल्ड। तो गाइस यहाँ पर यार ये बहुत ही कमाल की डिलीवरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेस से बॉल जाती है स्पिनर के लिए, और बल्लेबाज चौंक जाता है कि कौन सा बॉल खेलने गूगली होगा या फिर लेग स्पिन, अगर वो हाथ से नहीं पड़ पाता है और अपना विकेट इसी दौरान दे बैठता है। तो इस बॉल को बढ़िया डालते थे अनिल, कुंबले, वार्न, इन्होंने बहुत बढ़िया इस गेंद को डालना सीखा। तो आज हम भी सीखेंगे कैसे आप इस बॉल को डाल सकते हो। तो आइए देखते हैं ग्रिप कैसा करना है। गाइस देखो, ग्रिप के लिए हमारे पास दो टाइप के ग्रिप होंगे। सबसे पहला जो ग्रिप होगा वो होगा कुछ इस तरीके से, आपको बॉल पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गैप होगा और ये हमारा जो फिंगर होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। ये जो हमारे इंडेक्स फिंगर देख रहे हो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, क्योंकि हम चुटकी कैसे बजाते हैं ऐसे, ये और ये फिंगर से। तो ये फिंगर का ज़्यादा काम नहीं रहेगा, ये बस सपोर्ट के लिए रहेगा, और इस फिंगर से हमें चुटकी बजाना है इस तरह। देख लीजिए, यहाँ पर फिर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से इस तरह से आपको चुटकी बजाना है। देख सकते हो गाइस, यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, मतलब ऐसे ऐसे होगा बॉल, ऐसे आपको चुटकी बजाना है। इस और ये दोनों से चुटकी आप देख सकते हो, ऐसे बजाना है। तो बस गाइस यहाँ पर यार ग्रिप ऐसे ही करना है, आपको दो फिंगर्स लाइटली थोड़ा सा क्लोज रखना है, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर रखना है, और फिर आपको मिडिल और इंडेक्स फिंगर से चुटकी बजाना है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। उसका दोस्तों जो अगर आप चुटकी नहीं बजा पाते हो तो एक और ग्रिप है, जिसको आप आधा सा बॉल इस तरह तरीके से आप ग्रिप कर लो। देखो यहाँ पर देख लीजिए गाइस, यहाँ पर आधा बॉल पूरा ग्रिप कर लीजिए, और दोस्तों आधा बॉल ग्रिप करने के बाद जब आप बॉल डालोगे तो उसी तरीके से आपको डालना है, और इतना बढ़िया बॉल जाएगा यार कि मतलब कि बहुत एकदम ज़मीन की तरफ, ज़मीन से सटता हुआ बॉल जाएगा, और बहुत बढ़िया हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो। तो गाइस स्लाइटली ये दूसरा ग्रिप था कुछ इस तरीके से, आपको हाफ द बॉल, हाफ पोर्शन ऑफ द बॉल इस तरीके से पकड़ लेना है। और उसके बाद एक और ग्रिप था ये, जो कि मेरा फेवरेट यही है यार, ये मैं प्रीफर करूँगा आप यही डालना सीखो। ये वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन ये बॉल डालते हो तो एकदम प्रोफेशनली है, और आप इसको डाल सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी डाल पाओगे गाइस। तो गाइस इसको, इस बॉल को डालिए हमेशा एकदम विकेट टू विकेट लाइन लेंथ, मतलब फर्स्ट स्टंप, सेकंड स्टंप, थर्ड स्टंप, तभी बल्लेबाज आउट होने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो यार बस इतना ही वीडियो था, बस यहाँ पर आपको इतना ही बताना था फ्लिपर बॉल के बारे में। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना बढ़िया ये होगा। तो अगर वीडियो ज़रा सा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और दोस्तों कोई भी आपको फीडबैक देना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो के लिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।